बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ विकी कौशल की दुल्हनिया बन चुकी हैं। दोनों की शादी के बाद से ही इनकी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दोनों के साथ ही अभिनेता सलमान खान भी खूब छाए हैं, जिसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि सलमान और कैटरीना का रिलेशनशिप है, जो कि एक समय में एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे, जिनके रिलेशनशिप ने खूब ज्यादा लाइमलाइट भी बटोरी। मगर अफसोस इस बीच इन दोनों में कुछ ऐसा हो गया कि इनकी प्यार भरी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। तो आखिरकार किस वजह से प्यारा जोड़ा अलग हो गया, क्यों रह गई दोनों की प्रेम कहानी अधूरी? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सलमान खान और कैटरीना कैफ की उसी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मगर उससे पहले आप इस कपल के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं, जिनका कैटरीना के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं। मगर बात करें इनकी लव स्टोरी के बारे में, तो आपको बता दे सलमान और कैटरीना कैफ की पहली मुलाकात सलमान खान के घर पर हुई थी। दरअसल सलमान खान की बड़ी बहन अलवीरा और कैटरीना एक ही शॉप क्लास में थी, जहाँ दोनों की दोस्ती हुई। और इस तरह एक बार जब सलमान खान के घर पर बर्थडे पार्टी में अलवीरा ने कैटरीना को इनवाइट किया, तो वहाँ सलमान खान की नजर कैटरीना पर पड़ी, जहाँ पहली ही नजर में वो कैटरीना की खूबसूरती के कायल हो गए थे, और इसलिए उन्होंने कैटरीना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। जहाँ की जब सलमान खान को कैटरीना कैफ के फिल्मी करियर के बारे में पता चला, तो उन्होंने कैटरीना कैफ का मेंटर बनकर उन्हें इंडस्ट्री में मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से लॉन्च कर दिया, जिससे कैटरीना को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। जिसके बाद सलमान खान ने कैटरीना को एक से बढ़कर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका तो दिया ही, साथ ही इंडस्ट्री में सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की। और इस तरह दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। मगर अफसोस इनका ये अच्छा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहा, तभी तो आगे चलकर सलमान खान के पॉजिटिव और गुस्सेल नेचर की वजह से तरह तरह की बात सुनने को मिली। जहां कई लोग कहते हैं कि कैटरीना का दूसरे अभिनेताओं के साथ काम करना सलमान को रास नहीं आता था, तो वही एक बार तो गुस्से में उन्होंने इन्हें थप्पड़ तक मार दिया। मगर हब तो तब हो गई जब कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में सलमान खान ने शाहरुख खान से लड़ाई कर ली और पार्टी में जमकर तमाशा किया। जिसके बाद तो कैटरीना ने सलमान खान के ऐसे बिहेवियर और नेचर से परेशान होकर उनसे ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया, और इस तरह इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी दोनों के रिश्ते में कड़वाहट बिल्कुल नहीं आई, तभी तो कैटरीना ये कह चुकी है कि सलमान खान उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। भले इन दोनों में उतना ज्यादा कांटेक्ट ना रहता हो, मगर जब भी सलमान खान को कैटरीना ने मदद के लिए आवाज लगाई, तो वो उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटे। जब कैटरीना और रणवीर के ब्रेकअप के बाद इन दोनों की नजदीकियां देख हर किसी को यही लग रहा था कि ये दोनों भी अब एक बार फिर से एक हो जाएंगे। मगर अफसोस दोनों के एक होने से पहले ही कैटरीना की जिंदगी में विकी कौशल की एंट्री हो गई, जो कि कैटरीना को बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर लगने लगे, और इसलिए इन्होंने आज उनसे शादी कर अपना घर बसा लिया है। और इस तरह कैटरीना और सलमान की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। तो दोस्तों, आपको सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी कैसी लगती है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।